कि गावे गावे टोला टोला सोर भइल सगरी, गावे गावे टोला टोला सोर भइल सगरी, कि सबके देखात बा सबके बुझात बा विकास भरल गगरी, कि गावे गावे टोला टोला सोर भइल सगरी। और कहेंगे कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। थैंक यू। मैं आपको आते हुआ नजर आ रहा होगा, सारे लोग बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों का आपको गाड़ी नजर आ रहा होगा, और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आगमन जो है उनका स्वागत के लिए जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जो काफ़ी महिलाएं लोग मौजूद हैं। मंत्री जी का जो है उनका जो काफिला है आवास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, और वहाँ पर जो है काफी मौजूद है। आप साफ तौर पर देख रहे हो क्योंकि उनको जो है पुनः स्वागत किया जा रहा है। माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का मंत्री के जो आगमन हुई थी आप देख सकते हैं, उनका जो है आगमन हो चुका है, उनका स्वागत धूमधाम से किया जा रहा है, उनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है, महिला मोर्चा यहाँ पर मौजूद है, तिलक किया जा रहा है, क्योंकि दोहरी खुशी गढ़वा के लिए ये है, क्योंकि झारखंड का लोकप्रिय विधायक झारखंड कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आगमन जो है हो चुका है। महिला मोर्चा की टीम यहाँ पर मौजूद है, जेएमएम के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके ऊपर फूलमाला के फूलों की बारिश की जा रही है, और कहने की गढ़वा के लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात है जो पुनः जो है उनका स्वागत और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो पद मिला, काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, आरती किया जा रहा है माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का, महिला मोर्चा टीम जो है उनका स्वागत किया जा रहा है, जो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। नहीं वीडियो महिला मोर्चा की ओर से जो है, और आपको हम ये भी जानकारी दे दें क्योंकि जगह जगह पर माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का जो है स्वागत किया जा रहा है, जो एक मिनट एक मिनट थोड़ा जिलाध्यक्ष जी को जो है मुंह मीठा कराकर लड्डू खिलाया जा रहा है। अरे चलो ये टोकन बनी है, अरे दे दो मेरा कान वाला, दे दिए जी मंत्री जी। तो पुनः जो है कैबिनेट का मंत्री बनाया गया, गढ़वा के लोग इतना उत्साह, ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए जी जी, कि दो बार क्यों 5 साल में हम लोगों को दोबारा मंत्रिमंडल गठन करना पड़ा, दोबारा मुख्यमंत्री चुनना पड़ा, ये आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए क्या ऐसी परिस्थिति बनी, किसने बनाया बेवजह, जो जनता ने राज्य की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया था, और हम लोगों ने सब महागठबंधन के हम सभी दलों ने मिलकर माननीय हेमंत सोरेन जी को अपना नेता चुना था, और उन्होंने पहले दिन से ही, पहले तो कोविड से लोगों को जीवन और जीविका देने का काम किया, हेमंत सोरेन जो विकास के जो लकीर खींचे हुए थे, क्या लग रहा है उसमें बदलाव होगा, केंद्र में बैठी सरकार को वही नहीं पच रहा था जी, कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार पहुंच रही थी जी जी, इनके दरवाजे बंद हो रहे थे जी, और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया उस उद्देश्य पर सरकार काम कर रही थी, रिसोमगुरी शिबू सोरेन जी के सपनों को साकार करने का काम कर रही थी। तो कांग्रेस विधायक उससे नाराज है, अभी दोबारा कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, आपके परिवार में आपसे खटपट नहीं होता, अपने घर अभिभावकों से या कभी भाइयों से जी जी बिल्कुल। साफ तौर पर देख पा रहे होंगे इनका जो है स्वागत आगमन जो है, जैसे ही आवास पर भी काफ़ी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं, और उनका जो है आगमन का लेके जो है काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है, और उनका स्वागत के लिए जो है एक तस्वीर जो है बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जो मासूम खान जो अल्पसंख्यक के विधायक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो है भेंट माननीय मंत्री जी को किया जाएगा, और उनका नारेबाजी जो है